देख रहे हैं क्लीन न्यूज यूपी और मैं हूं नेहा आपके साथ। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ खास खबरों का। खबरों से अपडेटेड रहने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मार्च से पहले फटाफट कर लें ये काम, केंद्र सरकार सीधे खाते में भेजेगी पूरे 10,000 रुपए। केंद्र सरकार ने देश के गरीबों के लिए कई खास तरह की योजनाएं शुरू की हैं। आज हम आपको केंद्र सरकार की एक ऐसी योजना के बारे में बताएंगे जिसमें सरकार जरूरतमंद लोगों को पूरे 10,000 रुपए दे रही है। केंद्र सरकार की इस स्कीम का नाम पीएम स्वनिधि योजना है, जिसके तहत सरकार स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपए लोन के रूप में दे रही है। इस लोन के लिए आपको कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं है। वहीं अगर आप लोन की राशि को समय पर वापस कर देते तो आपको सरकार की तरफ से सब्सिडी की भी सुविधा मिलेगी। इस स्कीम का फायदा नाई की दुकान, मोची, पनवाड़ी, धोबी, सब्जी बेचने वाला, फल बेचने वाला, रेडी टू ईट स्ट्रीट फूड, चाय का ठेला या खोखा लगाने वाला, ब्रेड पकौड़े या अंडे बेचने वाला, फेरी वाला, स्टेशनरी बेचने वाला लोग इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। बस पहले लोन लेने वाले को मोबाइल नंबर आधार से लिंक करना जरूरी है। ये लोन उन्हीं लोगों को मिलेगा जो 24 मार्च 2020 या उससे पहले इस तरह के कार्य में लगे थे। इस लोन की योजना की अवधि मार्च 2022 तक ही है, तो जिन्हें जरूरत है वो जल्द ही इस प्रक्रिया को पूरी कर लें। गोरखपुर से सीएम योगी को हराने के लिए अखिलेश यादव का बड़ा सियासी दांव, भाजपा विधायक को दिया खुला ऑफर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर शहर सीट से चुनाव लड़ने पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वहां से भारतीय जनता पार्टी के विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को खुला ऑफर दिया है। अखिलेश ने कहा, अगर डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल चाहें तो समाजवादी पार्टी उन्हें तुरंत अपना उम्मीदवार घोषित कर देगी। लखनऊ में अन्न संकल्प के मौके पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में सपा प्रमुख ने पत्रकारों से ये बात कही। बता दें कि राधा मोहन दास अग्रवाल गोरखपुर शहर से बीजेपी के 4 बार के विधायक रह चुके हैं। इस बार इस सीट से भाजपा के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मैदान में उतारा है। राधा मोहन दास अग्रवाल पर अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, अगर आपका संपर्क हो तो उनसे बात कर लीजिए, टिकट अभी घोषित है, घोषित टिकट हम तुरंत दे देंगे। उन्हें बता दें कि अखिलेश यादव राधा मोहन अग्रवाल को टिकट देकर बड़ा सियासी दांव खेलना चाहते हैं। अगर राधा मोहन अग्रवाल योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खड़े हो गए तो ऐसे में भाजपा में भितरघात की स्थिति बन सकती है। हालांकि अखिलेश यादव पहले ही ये कह चुके हैं कि अब भाजपा की किसी भी मंत्री व विधायक को टिकट के लिए पार्टी में शामिल नहीं कराएंगे, किंतु उन्होंने गोरखपुर के लिए एक गुंजाइश पहले ही छोड़ रखी है। टीईटी परीक्षा को लेकर सीएम योगी सख्त, अधिकारियों को दिया ये आदेश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए दागी व संदिग्ध छवि वाले संस्थानों को केंद्र कतई न बनाए, इनकी पहले ही जांच कर ली जाए। परीक्षा केंद्र निर्धारण में संस्थान के पिछले रिकॉर्ड को जरूर देखें। टीईटी परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद योगी सरकार ये परीक्षा आगामी 23 जनवरी को कराने जा रही है। इस बार सरकार काफी सतर्क है, इसलिए मुख्यमंत्री ने सोमवार को टीम 9 के अधिकारियों के साथ बैठक में इस पर खास तौर पर निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि टीईटी के सुव्यवस्थित आयोजन के संबंध में पुख्ता तैयारी कर ली जाए, कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन हो, हर केंद्र पर मास्क, सैनिटाइजर, इंफ्रारेड थर्मामीटर की उपलब्धता होनी चाहिए। सीएम ने कहा कि परीक्षा की शुचिता के दृष्टिगत अपर मुख्य सचिव गृह और एडीजी कानून व्यवस्था, प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा के साथ जिलाधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारियों व परीक्षा आयोजन में जुड़े अन्य अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद कर व्यवस्थाओं की पड़ताल करें। कांग्रेस नेता अजय कुमार लल्लू का योगी आदित्यनाथ पर निशाना, दलितों संघ खिचड़ी भोज को बताया स्टंट। विधानसभा चुनाव की तारीखें जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे नेताओं के एक दूसरे पर जुबानी हमले तेज होते जा रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने दलितों और पिछड़ों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ पर हमला किया। उन्होंने कहा कि सीएम योगी 5 साल तक लोगों को जुमले ही सुनाते रहे और अब चुनाव सिर पर आ गए तो उन्हें पिछड़ों और दलितों की याद आ गई। अजय कुमार लल्लू ने दलितों के घर खिचड़ी खाने पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ दलित के घर खिचड़ी खाने पहुंचे, ये सिर्फ उनका चुनावी स्टंट है। अब चुनाव आया है तो उन्हें इनकी याद आ गई, नहीं तो अब तक वो पिछड़ों और दलितों को सिर्फ जुमले ही सुना रहे थे। निजीकरण के विरोध में 23-24 फरवरी को हड़ताल करेंगे बिजली कर्मी। केंद्र सरकार पर निजीकरण की नीति अपनाने का आरोप लगाते हुए देश भर के बिजली कर्मचारी इसके विरोध में 23-24 फरवरी को हड़ताल करेंगे। हड़ताल का आह्वान नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स ने किया। NCCOEE की ऑनलाइन बैठक में हड़ताल का निर्णय किया गया। ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन शैलेंद्र दुबे ने बताया कि बैठक में निर्णय लिया गया है। 23-24 फरवरी को ट्रेड यूनियन की हड़ताल के समर्थन में देश भर के 15 लाख बिजली कर्मचारी व इंजीनियर भी निजीकरण की नीतियों के विरोध में 2 दिन की हड़ताल में शामिल होंगे। बिजली कर्मचारियों व इंजीनियरों की मांग है कि इलेक्ट्रिसिटी बिल 2021 वापस लिया जाए, सभी प्रकार के निजीकरण की प्रक्रिया बंद की जाए, केंद्र शासित प्रदेशों के बिजली निजीकरण का फैसला रद्द किया जाए। डिप्टी सीएम मौर्य की डिग्री का मामला हाईकोर्ट पहुंचा, निचली अदालत के आदेश को दी चुनौती। इलाहाबाद हाईकोर्ट में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की डिग्री को लेकर मजिस्ट्रेट के आदेश के खिलाफ अर्जी दाखिल की है। इस पर सुनवाई 3 फरवरी को होगी। यूपी विधानसभा के चुनावी माहौल में ये एक बड़ा मामला बन सकता है। अर्जी में SGM प्रयागराज के 4 सितंबर 2021 को पारित आदेश को चुनौती दी गई। इसके तहत मजिस्ट्रेट ने FIR दर्ज करने का आदेश जारी करने से इनकार कर दिया था, साथ ही धारा 156 के तहत दाखिल अर्जी खारिज कर दी थी। दिवाकर नाथ त्रिपाठी की अर्जी की सुनवाई न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता ने की। याचिका कहना है कि सचिव
माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रयागराज ने भूषण पांडे को बताया कि हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज की प्रथमा मध्यमा विशारद डिग्री हाई स्कूल के समकक्ष माने नहीं है। केशव प्रसाद मौर्य ने इस डिग्री के आधार पर आगे की शिक्षा ग्रहण की है। ये गैर कानूनी है और अपराध की श्रेणी में आता है। उल्लेखनीय है कि केशव प्रसाद इस बार सिराथू सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इसके पहले दिवाकर नाथ त्रिपाठी ने प्रयागराज की AGM कोर्ट में भी सितंबर 2021 में अर्जी दाखिल की थी। सीएम योगी का दावा, अमेरिका से बेहतर कोविड मैनेजमेंट, हकीकत में सभी पॉजिटिव मरीजों को ढूंढ नहीं पा रही सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश का कोरोना मैनेजमेंट अमेरिका से भी बेहतर है। उनका कहना है कि वैक्सीनेशन हो या मरीजों का इलाज और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, हर चीज में उत्तर प्रदेश को सीएम योगी अव्वल बताते हैं। मैनेजमेंट का तो पता नहीं, लेकिन एक चीज में यूपी ने बढ़त ले ली है। यूपी में 1700 कोरोना संक्रमित गायब हैं। यानी इन लोगों की जांच के सैंपल देते वक्त जो पता दर्ज करवाया था वो ही गलत निकला। दिक्कत ये है कि अभी एक संक्रमित व्यक्ति 4 लोगों को संक्रमित कर रहा है। यानी 1700 लोग अब तक 6800 लोगों को संक्रमित कर चुके होंगे। ये 6800 आगे 27000 से ज्यादा को संक्रमित कर सकते हैं। लापता संक्रमित तो सिर्फ एक पहलू है। ये पूरी रिपोर्ट पढ़िए और खुद ही तय कीजिए यूपी में कोविड मैनेजमेंट क्या वाकई अमेरिका से बेहतर है। प्रदेश भर में रोजाना महज 2.5 लाख के आसपास लोगों की जांच की जा रही है। इनमें से पॉजिटिव आने वाले सभी लोगों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी होती है और अभी वो भी नहीं हो पा रही। इसके अलावा जांच रिपोर्ट में देरी और जीनोम सीक्वेंसिंग की कम संख्या भी कोरोना मैनेजमेंट पर सवालिया निशान लगाते हैं। कोरोना वायरस का वेरिएंट पता लगने से मरीज का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तय होता है। डॉक्टरों और प्रशासनिक अधिकारियों का मानना है इन दोनों कोरोना के जितने भी मामले सामने आ रहे हैं उनमें से 40% मरीज ओमिक्रॉन के हो सकते हैं। इस राज्य की सरकार बुजुर्गों को दे रही है हर महीने 500 रुपए। वृद्धावस्था पेंशन स्कीम में ऐसे करें अप्लाई। यूपी पेंशन स्कीम के अंतर्गत 60 साल या उससे अधिक आयु के गरीब वृद्ध नागरिकों को सरकार द्वारा 500 रुपए हर महीने पेंशन दी जाती है। यूपी पेंशन स्कीम के अंतर्गत प्रोत्साहन राशि सीधे बैंकों के अकाउंट में भेजी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत पेंशन वितरण समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। यूपी पेंशन स्कीम के तहत ऐसे बुजुर्ग नागरिक जिनकी उम्र 60 साल या उससे ज्यादा हो उन्हें वृद्धावस्था पेंशन दी जाती है। इन नागरिकों का नाम गरीबी रेखा के नीचे होना चाहिए। शहरी क्षेत्रों में ऐसे बुजुर्गों की सालाना आय 5460 रुपए तक और ग्रामीण क्षेत्रों में सालाना 40080 रुपए से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग के ऑफिशियल वेबसाइट sspyup.gov.in पर जाएं। ऑफिशियल वेबसाइट के होम पेज पर आपको वृद्धावस्था पेंशन का अप्लाई ऑप्शन दिखाई देगा। उसको इस ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। आप सीधा इस लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अगले पेज पर ऑनलाइन आवेदन करें। जो लिंक दिखाई देगा आपको उस लिंक पर क्लिक करना होगा। लिंक पर क्लिक करने के बाद अगले पेज पर आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुला मिल जाएगा। 1 करोड़ से ज्यादा केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स की लगी लॉटरी। 3% बढ़ेगा डीए, अब मिलेगी इतनी पेंशन। केंद्रीय कर्मचारियों को बजट 2022 से पहले केंद्र सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। यूं कहें कि केंद्रीय कर्मचारियों की लॉटरी खुल गई है। महंगाई दर के आंकड़े आ गए हैं। इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2 नहीं 3% का इजाफा होना तय हो गया है। यानी अगले सैलरी में उन्हें 34% डीए मिलेगा। नया साल पेंशन भोगियों के लिए भी खुशखबरी लेकर आया है। मोदी सरकार ने पेंशन भोगियों की महंगाई राहत भी बढ़ा दी है। जल्द ही पेंशन भोगियों के खाते में महंगाई राहत के पैसे ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। सरकार ने इसकी मंजूरी दे दी है। सरकार ने पेंशन भोगियों की महंगाई राहत में 8700 रुपए की वृद्धि की है। केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को 6 महीने में रिवाइज करती है। कर्मचारियों के मूल वेतन यानी बेसिक पे के आधार पर उनकी महंगाई भत्ते में वृद्धि की जाती है। घने कोहरे की चपेट में यूपी, लगातार गिर रहे तापमान ने बढ़ाई ठिठुरन। मौसम विभाग ने दी बारिश की चेतावनी। उत्तर प्रदेश में सर्दी सूबे के लोगों पर कहर बनकर टूट रही है। जनवरी आधी से ज्यादा गुजर चुकी है लेकिन ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही। प्रदेश में पिछले 3-4 दिन ठंड के साथ गलन भी बढ़ गई है। कोहरे के साथ ही दिन का तापमान भी 15 डिग्री और रात का 6 से 7 डिग्री के बीच अटका है। ऐसे में सूबे के लोग अलाव और चाय से खुद को गर्म रखने की जुगत में जुटे हुए हैं। जनवरी में अब तक अधिकतम और न्यूनतम तापमान को देखें तो पारे में लगातार गिरावट जारी है। 1 जनवरी को दिन का पारा 21.6 डिग्री सेल्सियस और रात का 10.7 डिग्री सेल्सियस था। इस माह अब तक दिन का सबसे कम पारा 15.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया जबकि रात का सबसे कम पारा 6.2 डिग्री सेल्सियस रहा। इससे साफ है कि जनवरी के साथ ही ठंड में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक जेपी गुप्ता के अनुसार लगातार 3 पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहे हैं। 1 16 जनवरी को हो चुका है, दूसरा मंगलवार से सक्रिय होगा। तो ये थी दिन भर की 10 बड़ी और अहम खबरें। खबरों से अपडेटेड रहने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक भी करें।